वॉट डू यू मीन बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये समझना पड़ेगा। क्या माना है तुमने सेंटर ऑफ मास काइनेटिक एनर्जी को? नहीं, हाफ टोटल मास इंटू वी सी एम स्क्वायर या पी स्क्वायर बाय टू, ये है ठीक। हालांकि फिजिक्स में ये कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, कमाल की बात यह है, फिर भी जेई में पूछा गया है। सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी हैज नो मीनिंग, सेंटर ऑफ मास कोई तो लोकेशन होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं होता है ना। लेकिन ठीक है, इससे ये सीखना है हमको कि जेई भी, जेई एडवांस भी कुछ गलतियां करता है, और हमें उस समय समझना होता है कि भाई वो गलती हमसे ना हो और हम क्वेश्चन कर लें एटलीस्ट उस समय। इनका मोबाइल बजा है, बाकी लोग भी इसी बहाने चेक कर लें कि किसी के मोबाइल की ट्यून ऑन तो नहीं है। हाँ बेटा बेटा, हाँ यही मानना, यही मानने से बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड टर्म नहीं है बेटा फिजिक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9th में डाउट है। अ सॉलिड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑयल, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास इतना इज एट रेस्ट ऑन दिस सरफेस, एन इम्पल्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद अ वेलोसिटी इतना, वेयर वी नॉट इज अ कॉन्स्टेंट एंड टाउ इक्वल्स टू 4 सेकेंड। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन मीटर्स एट टी इक्वल्स टू टाउ सेकेंड इज, डिस्प्लेसमेंट पूछा है आपको, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। सबसे पहले वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो दिया गया है वी इक्वल्स टू वी नॉट, ये वाली चीज वी इक्वल्स टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, में वी नॉट की वैल्यू तो निकालें पहले, कोई बताएगा कैसे वी नॉट की वैल्यू आएगी? चेंज इन मोमेंटम से क्या होगा बच्चा? 1 इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, मास बोलो कितना है 0.4 इंटू बोलो वी, ये मैंने सीधा मोमेंट, इंपल्स बराबर तो चेंज इन मोमेंटम होता है, लेकिन मैंने तो इंपल्स बराबर मोमेंटम लिख दिया, क्यों? क्योंकि इनिशियल रेस्ट पे था, ठीक। तो वी की वैल्यू बोलो बच्चा कितनी आ रही है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्या कह सकता हूँ ये वेलोसिटी टी इक्वल टू 0 की वेलोसिटी है? क्योंकि जस्ट आफ्टर गिविंग इंपल्स दिस इज द वेलोसिटी, और जरा यहां पर टी इक्वल टू 0 डालो बच्चों, इसमें टी इक्वल टू 0 डालो तो वी इक्वल टू वी कितना आ रहा है, यानी वी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? इसका मतलब ये एक्सप्रेशन फाइनली क्या बन गया बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो, ये एक्सप्रेशन बन गया वी इक्वल टू 2.5 e की पावर माइनस टी बाई टाउ। क्या मैं इसको dx बाई dt लिख सकता हूँ? यहाँ से dx इक्वल टू 2.5 e की पावर माइनस टी बाई टाउ लिखा, dt लिखा, क्या इंटीग्रेशन आता है बच्चों? क्या इसके बाद आंसर आ रहा है? ठीक, जिसका नहीं आ रहा वो कैलकुलेशन दोबारा से चेक करे। हाँ, इसने बोला है एक इंपल्स 1 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक एट टाइम टू एट टाइम टी नॉट, नहीं एट टाइम टी इक्वल टू 0, बस ये है। तो टी इक्वल टू 0 पर एक बहुत इंपल्सिव फोर्स लगाया गया है जो नेग्लिजिबल टाइम में उसको इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर देता है, क्लियर? अच्छा, तुमने इसको फाइनल ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11th नहीं दिया था, अच्छा हुआ नहीं, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन को करने के लिए एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग, ठीक, अच्छे से। मैं इसमें एक पेज जोड़ लेता हूं ताकि मैं आपको जरा ये प्रॉब्लम आपकी परमानेंट दूर कर सकूं। तो जरा इसको समझिएगा, ठीक है। मैंने क्या किया कि पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, बेसिकली आपको बेवकूफ बनाने के 100 तरीकों में से एक तरीका है ये क्वेश्चन, वो कैसे है वो अभी थोड़ी देर में समझ में आने वाला है, ठीक। यहां से एक पार्टिकल को वी वेलोसिटी से बच्चों फेंका गया है, ठीक, कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, ये एंगल थीटा है,
आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछी गई, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन यहाँ पर बैठा हर एक बच्चा कर सकता है। क्या करना होता है कोई बता सकता है? टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मत बोलो क्योंकि सरफेस ऐसी भी हो सकती थी, सही शब्द बोलो, टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट रिमेन। किसी ने पूछा क्यों? क्यों भाई क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए टेंजेंशियल फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, इट इज द टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द फ्रिक्शन इज एब्सेंट, तो टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट चेंज नॉर्मल तो है, तो नॉर्मल तो चेंज होगा, तो होने दो ना। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का न्यूटन्स वो लॉ, कोलिजन का लॉ आता है ना, क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू ई, याद है ये? अच्छा ये न्यूटन्स, हाँ ये इस पर भी बड़ी चर्चा होती है, अगर ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन है तो फिर ई की डेफिनेशन क्या है? क्या बात है लड़का, यार ये बढ़िया बच्चा है, छा गया तू, शाबाश। तो डेफिनेशन ऑफ ई इज इंपल्स ड्यूरिंग रेस्टिट्यूशन डिवाइडेड बाय इंपल्स ड्यूरिंग कंप्रेशन। क्या होता है रेस्टिट्यूशन? वापस लौटा, रिट्रीट, टू रिट्रीट, रेस्टिट्यूशन का मतलब ये आ रहे थे एक दूसरे की ओर, मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया दोनों में, मैक्सिमम कंप्रेशन, तो यहां से यहां तक का जो इंपल्स है वो इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन होगा या इंपल्स ऑफ कंप्रेशन होगा, समझ में आई बात? और फिर इसके बाद वापस से फिर से ये नॉर्मल हो गए, तो यहां से यहां तक का इंपल्स इंपल्स ऑफ रेस्टिट्यूशन कहलाएगा। नाउ द डेफिनेशन ऑफ इज इंपल्स ड्यूरिंग रेस्टिट्यूशन डिवाइडेड बाय इंपल्स ड्यूरिंग कंप्रेशन, ये डेफिनेशन है। एंड द लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय, एक और अच्छी बात बताता हूं, किसकी वेलोसिटी? पहली बात तो ये वेलोसिटी नहीं होती, अगर सही डेफिनेशन पर आए तो दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ इंपैक्ट ऑन द बॉडी। ये क्या कह दिया, देखना जरा ई की डेफिनेशन, तेरा समझना कहां शुरू किया था कहां पहुंच रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, समझाना मेरा काम है, समझाता जा रहा हूं। तो जैसे मान लो ये एक बॉडी, ठीक, इस बॉडी को हिट कर रही हैं दो तीन बॉडी, एक इन्होंने हिट किया भाई साहब ने, एक इन्होंने साइमल्टेनियसली हिट किया, एक इन्होंने साइमल्टेनियसली हिट किया, ठीक। अब साइमल्टेनियसली हिट करने पर इनकी वेलोसिटी वी ए थी इस डायरेक्शन में, सही, इसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ वी वन थी, ऐसे इसकी वी टू थी, इस पॉइंट की वेलोसिटी वी थ्री थी। तो ध्यान रखना, हर एक पेयर के लिए आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन अप्लाई कर सकते हो, हर एक पेयर के लिए इंडिपेंडेंटली, समझ में आई बात? लेकिन वेलोसिटीज कौन सी आएंगी, बॉडी की नहीं आएंगी, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट की आएंगी, और वेलोसिटीज भी नहीं आएंगी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। इतना आसान नहीं, तभी तो लॉ है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, पल्ले पड़ा भाई, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक। कम यूज होता है लेकिन जहां होता है वहां फैल जाते हैं अपन, क्यों? क्योंकि हमें बेसिक डेफिनेशन ही नहीं पता, बेसिक लॉ ही नहीं पता। अभी समझ में आ गया, ठीक। हम वापस आते हैं यहां पर। तो बच्चों इसका दो कंपोनेंट किए, यहां पर आते वक्त वेलोसिटी कितनी हो गई इस साइड, बोलो, वी कॉस थीटा, अच्छा ये वाला कंपोनेंट बोलो, अच्छा ये क्या रहेगा, वी साइन थीटा, और ये वाला ई टाइम्स वी कॉस थीटा हो जाएगा क्या? तो फाइनल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, ई टाइम्स वी कॉस थीटा और ये वाला v साइन थीटा। लो जी फाइनल वेलोसिटी आ गई, अरे आ गई ना, कंफर्म है, अरे कंफर्म है, कोई डाउट है? अच्छा अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछूंगा लेकिन स्टाइल दूसरी होगी, क्वेश्चन देखना जरा किस स्टाइल से पूछने वाला हूं, बेवकूफ बनाने के 100 तरीके। एक इंक्लाइन प्लेन से एक पार्टिकल उड़ता हुआ आ रहा है, स्लाइड करता हुआ आ रहा है, और जिस समय वो यहाँ टकराने वाला है उस समय उसकी वेलोसिटी वी है, बताइए आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई। बोथ क्वेश्चंस आर सेम, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, इंक्लाइन प्लेन हटा दो, पार्टिकल को टकरवा दो, तो सेम क्वेश्चन है।
लेकिन इसको देख के हवा खराब हो जाती है। अरे भाई साहब ये ऐसे मतलब कमाल है, ऐसे कैसे सोचेंगे? दोनों सेम क्वेश्चन है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो अब उस क्वेश्चन पे आते हैं जो हमसे पूछा गया है। द स्पीड ऑफ द ब्लॉक बी इमीडिएटली आफ्टर इट स्ट्राइक द सेकेंड इंक्लाइन इज, तो एज्यूम दैट कोलिजन इज कोलिजन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन आर टोटली इनइलास्टिक। ठीक, सही है? तो ध्यान से सुनना, मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि 30 डिग्री पर एक पार्टिकल आ रहा है, 30 डिग्री बोलो कैसे? अरे भैया ये अगर 30 है, ये अगर 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा ना यार। अब तो समझ में आया? इसका दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, ये डायग्राम कि यहाँ से एक पार्टिकल आ रहा है ऐसे 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 कितने एंगल पर और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, तो बताओ क्या होगा? ये वाले कंपोनेंट की ऐसी की तैसी हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये? और ये वाला कंपोनेंट सेम रहेगा? यही आंसर है, बिकॉज 30 इज द आंसर। बस हो गया, पल्ले पड़ा बच्चों, समझ में आया? अच्छा एक बात पता है तुमको, पिछली वाली चीज में अगर कोलिजन इलास्टिक होता तो जितने एंगल पर आया है उतने एंगल पर वापस लौट जाएगा, पता है ना? चलो यार अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। हाँ हाँ, दोनों कहाँ है? एक ही तो है, वेज फिक्स है बेटा, ये फिक्स है। आया समझ में? तो ये नहीं चल रहा है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट सी, सी कहाँ पर है भैया? ये इमीडिएट, अरे ये तो यार वो है फिर काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है जी, साइन थीटा एक्सीलेशन हो गया, वी इक्वल्स टू वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक, 13th क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ही बढ़िया, फिर से मेरा फेवरेट क्वेश्चन, पढ़ो तो जरा क्या बोला है। इलास्टिक बोला है, यानी कि सेम एंगल पे आ जाएगा। अरे बोलो ना, तो यहाँ से कितने एंगल पर आया बच्चा ये बताइए, यहाँ पर कितने एंगल से आया? ये एंगल पर, तो कितने एंगल पर जाएगा? और ये भी कितना एंगल बना रहा है, तो कैसा जाएगा? हॉरिजॉन्टल, तो कितना एंगल बनाएगा? ज़ीरो। बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपसे वी रिलेटिव पूछी जाए, एक बात। दूसरी बात, जो भी सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे हैं दोनों की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो, जैसे इस एक तरीका बताता हूँ क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता, जरा ध्यान से सुनना। पूछा आपसे ये भी जा सकता था, ये एक ब्लॉक है, ये एक पार्टिकल है, ध्यान से सुनना, रेडियस आर है और रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है इस पार्टिकल को, पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है। और आपसे पूछा, पता है क्या गया है आपसे पूछा गया है कि बताइए जब ये पार्टिकल बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, जब ये पार्टिकल पॉइंट ए पर पहुंचेगा तो वेज की वेलोसिटी या पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं ताकि आप पहले यह समझें कि ये सारे क्वेश्चन बेकूफ बनाने के 100 तरीकों में से एक है। M1 M2 कंप्रेस्ड है स्प्रिंग के थ्रू, कंप्रेशन है एक्स, ठीक। जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर पहुंचेगी तो बताइए दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? देखना जरा ध्यान से, यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और दोनों की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, फाइनल। अच्छा यहां पर आइए, यहां पर यहां तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और दोनों की वेलोसिटी इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल है। यहां पर आइए, यहां पर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, सही है भाई? और दोनों की वेलोसिटी क्या है? ऐसे समझना होता फिजिक्स में, एक चीज पढ़ करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, ये नए क्वेश्चन कोई भी नहीं इनमें से, क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलिए एक और बात बताइए, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस केस में कितनी है बच्चों? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइनल, फाइनल वी सी फाइनल बताइए, तीनों केस में वी सी फाइनल कितना है? सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी क्यों जीरो है, क्यों जीरो है?
क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो, इसलिए फाइनल भी जीरो। लेकिन ध्यान रख लेना वर्टिकल में नहीं कह सकते क्योंकि नॉर्मल और एमजी है। अब नॉर्मल एमजी के बराबर हो या ना हो हमें क्या पता, नहीं गारंटी ले सकते, लेकिन हॉरिजॉन्टल की गारंटी ले सकते हैं ना बच्चों, इसमें कोई राय तो नहीं है भाई। ठीक, चलिए ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, तो मैंने काइनेटिक एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी पूछ तो लेते ही हूँ। और वो फॉर्मूला है टू पार्टिकल सिस्टम में हाफ टोटल एम वी सी स्क्वायर प्लस हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है बच्चों, मैंने पढ़ाया, तुमने पढ़ा है? अच्छा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो, टू पार्टिकल सिस्टम का ये फॉर्मूला होता है। ठीक, जरा ये बताइए इस क्वेश्चन में ये कितना है? जीरो। तो बचा कितना? यही बचा, कोई डाउट? चलिए ये बताइए, ये काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल मिल रही है वो कहां से मिल रही है? दो टोटल काइनेटिक एनर्जी इस टू पार्टिकल को जो मिल रही है वो मिल कहां से रही है? पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है उसमें एम जी एल से मिल रही है। एम जी एल इक्वल टू बोलो हाफ, हाँ हाँ, एम इंटू सिक्स एम अपॉन एम प्लस सिक्स एम इंटू वी रिलेटिव। आंसर आ गया भैया, कहाँ हो, बस हो गया, क्लियर, समझ में आ गया बच्चों? नोट कर लीजिए जिनसे खासकर गलती हुई है कि अब दोबारा गलती ना हो। प्लस ये इस तरीके के बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बॉम्ब था, एक्सप्लोड हो गया, बॉम्ब में ई, सुनो, बॉम्ब में टोटल एनर्जी, केमिकल एनर्जी ई रिलीज हुई, ठीक, और जो जो दो पार्टिकल टूटे उनमें एक का मास एम वन है एक का मास एम टू, बताइए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, कैसे निकालोगे? हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर इक्वल्स टू, हो गया खत्म, आंसर आ गया, समझ में आया, नोट कर लीजिए फटाफट। बिल्कुल उस मोमेंट पर, उसके बाद हॉरिजॉन्टल भी आ सकता, नहीं उसके हॉरिजॉन्टल तो हमेशा जीरो है, हाँ वर्टिकल है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट, उसके पहले और उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का। बिल्कुल ना, नहीं लिख पाएंगे ये चीज। जबरदस्त मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, इस समय अगर इस समय मेहनत कर ले गए तो ये समझ लो कि तुम जरा से दिनों में अपने फ्यूचर को सिक्योर करने जा रहे हो। क्या चाहते हो, अगले एक साल पूरी मेहनत करना या सिर्फ एक डेढ़ महीने मेहनत करना? यही करना चाहते हो ना, तो जान लगा दो अपनी पूरी, कोई कसर मत छोड़ना, ये जान लेना। और दिमाग में भूल करके भी ये मत ले आना कि जो ट्वेल्थ में है खासकर वो लोग कि चले यार अब नेक्स्ट ईयर ही देंगे, खूब समय मिल जाएगा आराम से देंगे। और अगर ये दिमाग में है तो यहाँ पर जो कॉन्कर बैच के हैं बच्चे हैं जो 13 में हैं इस समय, उनसे बात कर लेना, पूछ लेना क्या वाकई में फ़ायदा होता है क्या नहीं होता, ऐसा लगता है। और अगर ऐसा होता होता तो सिलेक्शन 13 से ज़्यादा होता, 12 से कम होता, बेटर रैंक कहाँ से आती है? तो जग जाहिर है भाई, नहीं मन लगता सेम चीज़ को दोबारा पढ़ने में, उतना मन नहीं लग पाता जो इंटरेस्ट पहली बार में आता है, तो पूरी जान झोंक दो भाई। जो इस वर्ज पर हैं, जहाँ पे मेरी बात को समझ पा रहे हैं, हम टीचर्स की बात को समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत करके समझ पा रहे हैं, मैं मान रहा हूँ समझ पा रहे हैं ना, तो उनके लिए तो बता रहा हूँ, वो जान झोंक दें, वो उनके सिलेक्शन में ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। और इस समय असाइनमेंट, वो जो मैंने बात बोली थी, सारे सर की बातें एज इट इज़ मानना, फॉलो करना है, दिमाग नहीं लगाना है। दो अलग अलग सर की बात सेम सब्जेक्ट के लिए नहीं माननी है, किसी एक की बात माननी है, एक समय पर, पहले मानिए कोई बात नहीं, अभी एक समय पर एक की माननी है,
ठीक है ना। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते बच्चों। क्वेश्चन नंबर थ्री, कौन सा बेटा सेकंड वाला पार्ट? सेकेंड क्वेश्चन में द सम ऑफ रेट ऑफ चेंजेस ऑफ मोमेंटम ए एंड बी, ये वाला बताओ इसमें क्या डाउट? समझ में नहीं आया, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, देखना जरा। इसको उड़ा देता हूं पहले। हाँ देखो भाई, इन्होंने कहा द सम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए प्लस बी, तो हमने ले लिया इसको सिस्टम, ले लिया, कोई दिक्कत? इसी के सिस्टम के मोमेंटम की बात चल रही है, चेक करो इस सिस्टम पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये टेंशन है। किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड। तो बताइए मोमेंटम किस साइड बढ़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड कम होगा, खत्म हो गया क्वेश्चन, क्लियर? ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर हो गया, फाइव, ये मस्त क्वेश्चन है, फाइव एकदम रैपचिक टाइप, बी ऑप्शन, हाँ डी बी। चलिए पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो मजा आएगा तुमको सुन करके यार, यो हो देखते हैं, देख अबे देखते हैं, पढ़ते ले दो सबको, पता नहीं मुझे याद नहीं है, देख सही था तो रट्टा मार के आया नहीं आज। पढ़ लिया, चलो देखते जाओ। जिस समय ये, पहले तो ये समझो कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये दोनों वी से जा रहे हैं इस समय, क्या ये समझ पाए हो? ठीक है, ये यहां पर टकराया, पहला कोलिजन हो गया, उस समय ये भाई साहब ये लौट गए हैं वी से और ये आ रहे हैं वी से, चेक करो पक्का? ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है ए, ये कितनी है? अच्छा, इसके बाद अब वापस फिर कोलिजन होगा, बताओ बच्चा पार्टी कहाँ कोलिजन होगा? अरे कल बोलोगे क्या बे, बीच में ए बाई, ए बाई टू का बीच ए बाई फोर होता है बे, नल ए बाई टू, ये यही रहेगा क्या, सोता रहेगा ये कि हाँ भाई तुम आओ वापस हम तब मिलेंगे? तो अरे दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं ना बच्चा, ये भी तो बीच में टकराएंगे ना बाबू, तो कितना हुआ ए बाई टू पर टकरा गए, ये लो। अच्छा ए बाई फोर, ओ हो, अब की मैं गलती कर गया, चलो संगति का असर है बेटा। चलो जरा ध्यान से सुनना कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाली बात सुनी है, ये आ रहा था इसकी ओर बी से, ये आ रहा था इसकी ओर बी से, अब क्या होगा, ये भाई साहब चलने लगेंगे इधर वी से और ये जाने लगेंगे इधर वी से, टकराने के बाद। हाँ भैया ऐसे आए, मास सेम है ना, तो वेलोसिटी इंटरचेंज नहीं हो जाएगी? ये देखो अब आगे क्या होगा, आगे समझना, हाँ एक मिनट रुक जा, समझ गए तुम्हें, आ गया बेटा, जितनी देर में ये ट्रेवल करेगा कितनी ए बाई फोर, उतनी देर में पार्टिकल भी कितना ट्रेवल करेगा, तो पार्टिकल की यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दीवार से कितनी वेलोसिटी ले लेगा और ये टकरा के कितनी ले लेगा? ओहो हो, ये क्या हो गया, ये क्या, अब दोनों वी से चलते रहेंगे जीवन पर्यंत, आगे बात समझ में, नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन। पहले कोलिजन के बाद दीवार को भूल गया, सही।
तो क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया, क्वेश्चन नंबर सेवन हो गया, क्वेश्चन नंबर एट, एट का सी पार्ट, एट का सी पार्ट, कैलकुलेट इंपल्स ड्यू टू ग्रेविटी ड्यूरिंग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या किया बच्चा तूने ये बता, ये बता। सबसे पहले तो डायरेक्शन क्या होगा ग्रेविटी के इंपल्स का। अच्छा पहले तो इंपल्स होता क्या है, एफ का डायरेक्शन जो होगा वही इंपल्स का होगा बच्चा। तो एफ का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो इंपल्स का डायरेक्शन भी क्या होगा, डाउनवर्ड। एक चीज तो ये बताओ कि इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम होता है क्या, तो इनिशियल फाइनल मोमेंटम का डिफरेंस ले लो, आंसर आ गया। एक तरीका, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया mg into time, उससे आंसर नहीं आ रहा, उससे भी तो आंसर आ रहा होगा, आ रहा है, ठीक क्लियर। चल क्वेश्चन नंबर नाइन, नाइन बढ़िया है क्वेश्चन यार, नाइन तो कितने लोगों से हो गया नाइन, अरे यार बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाके किया। हाँ बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन कोई जरूरत भी नहीं है, अगर नहीं जाना चाहते तो भी चल जाएगा काम, क्योंकि आसान है क्वेश्चन अगर सही से सिचुएशन समझ जाओ तो। बिफोर इट कोलाइड्स विद बॉल सी, तो बेटा जरा ध्यान से देखना, बी से कोलाइड जब करेगा तो सिचुएशन जस्ट कोलाइड करने के पहले ए और सी ऐसे होंगे, क्या ये समझ में आ रही है, किस तरीके के होंगे सर, इससे क्या हो जाएगा तो। और इससे देखो मैथमेटिकल क्वांटिटी आपको कुछ समझ में आने वाली है, पता है क्या, तीनों की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कॉमन होगी, यही तो मतलब है, और एक एडिशनल वेलोसिटी वी वन अगर इसकी इधर है तो इसकी इधर होगी, इसकी गारंटी है। मोमेंटम इस डायरेक्शन में कितना है, जीरो, उसको सिमेट्री से भी बोला जा सकता है, गलत नहीं बोल रहे हैं आप, ठीक। तो बच्चों ये बताइए इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है क्या, तीनों पर मिला करके इसको अगर मैं सिस्टम ले लूं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं है, तो मोमेंटम इस डायरेक्शन का कंजर्व। एक इक्वेशन एम वी नॉट एम बी इंटू वी नॉट बराबर एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी इंटू वी सी, वी सी आ गया, छुट्टी होगी वी सी की, टाटा बाय बाय। बचा क्या, बचा क्या बे, अरे ऐसे सर्कल बना रहा हूं तो बोल दो बचा क्या, इसमें सोच रहे हो सर्कल बना रहा है इसका मतलब ये नहीं होगा, अबे बीगन बचा ना। अच्छा ये लो एनर्जी का लॉस कितना हुआ, जीरो, क्यों, और स्ट्रिंग सडनली टाइट हो गया, स्ट्रिंग ने कोई इंपल्स इंपल्स दिया गया नहीं, इसका मतलब एनर्जी कट जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में आता उससे वी1 आ जाएगा क्या, हो जाएगा क्या क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन, 10th में क्या जो लगता है हमको वो होता नहीं है, इसलिए बढ़िया क्वेश्चन, हमको जो लगता है वो क्या लगता है पहले उस बारे में बात करता हूँ। हमको लगता है कि यार मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी तो जब ये नीचे लोअर मोस्ट पॉइंट पर होगा तब मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, है ना, सॉरी नहीं नहीं लोअर मोस्ट पॉइंट पर नहीं, या यहाँ पर जब होगा तो हो जाएगी, हाँ। तो अभी ध्यान से सुनना, इस समय दोनों की वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर, जब भी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा भले कॉमन हो जाएगी इस डायरेक्शन में, अच्छा उसके बाद फिर ये वापस लौटेगा, इसके बाद ये फिर वापस लौटेगा, और जब वापस लौट रहा होगा तो ये इस पर फोर्स इधर लगा रहा होगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी और बढ़ा रहा होगा। भाई मेरा चल क्या रहा है सर, नहीं आ रहा कंफर्म, तो कब तक बताओ ये इधर कंपोनेंट देता रहेगा, जब तक कि बोलो बोलो बोलो, जब तक कि ये वापस लोअर मोस्ट पॉइंट पर नहीं आ जाता, क्योंकि इसके बाद अगर वो यहां आया तो बच्चा इधर देगा, इधर देगा तो इधर फोर्स का कंपोनेंट आएगा, तो वेलोसिटी को कम करेगा बढ़ाएगा, क्या आप समझ में आया, सबको समझ में आया, बढ़िया। तो करना क्या है सर ये बताओ, मगर सुनो क्या करना है,
सबसे पहला काम तो यह वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। कहां से कहां तक साहब? मैं कहा वर्क एनर्जी थ्योरम आप इस जगह से पहले तो आप ये भी काम कर सकते हो कि ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा नहीं, इस साइड जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ क्यों नहीं जाएगा? वो कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर इतनी हुई तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए, तभी इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, अदरवाइज हो नहीं सकती। लेकिन जब वो इधर पहुंच रहा होगा, जब वो इस साइड पहुंच रहा होगा, तो दोनों साथ साथ चल रहे होंगे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में चला गया होगा, इसका मतलब ये कहीं बीच में आएगा यहां कहीं। ठीक, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा हालांकि हमारे कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा, बस ये है कि हमें ये मानना है कि यहां पर बीसी क्या होगा वो निकालना है। ठीक, दोनों सेम होंगे कुल मिला करके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ एम वन प्लस एम टू इंटू वीसी स्क्वायर बराबर, बोलो बच्चा, बोलो बोलो, ये एंगल थीटा ले लो, बोलो एम टू जी आर कॉस थीटा। अरे बोलो ना, वही तो है आर कॉस थीटा, चेक कर, सही है? अरे बोलो ना। अच्छा, क्या आप वीसी निकाल सकते हो? मैं बता सकता हूँ वीसी एक और तरीके से, बताए क्या, बताइए, मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या इनिशियल और फाइनल? इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये अब है दूसरा पॉइंट जहां पर वो गलती कर नहीं रहे। ये नॉर्मल जिस समय, ध्यान से सुनना, जिस समय ये ब्लॉक ऐसे स्लाइड कर रहा होगा तो ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा होगा, अच्छा इसके कारण से ये नॉर्मल आ रहा होगा, क्या मैं कह सकता हूँ सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स है तो मोमेंटम कंजर्व? मत कर देना मोमेंटम को कंजर्व, और वो तो ऐसे ही सोच लो, अगर मोमेंटम को कंजर्व कर देते तो जीरो नहीं आ जाता कॉमन वेलोसिटी, आते कि नहीं आते, क्योंकि इनिशियल कितना है जीरो, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी निकालो, जिस समय ये नॉर्मल यहां से डिटैच हो जाएगा ना वहां पर वेलोसिटी तो निकाल सकते हो। अच्छा, तो यहां से यहां तक एम1 की वेलोसिटी कितनी होगी बच्चा पार्टी? M1 की, अरे तुम्हारी ऐसी तैसी करो सुनो, M1 की वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो रहेगी ना बे, किसकी आएगी? M2 की, तो M2 की वेलोसिटी कितनी आएगी? हाफ M2 V स्क्वायर बराबर M2 G R, V की वैल्यू बोलो, शाबाश, अभी आया समझ में? अब यहां से शुरू करो कसरत अपनी, इसके बाद मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या? क्यों रहेगा इसके बाद? इसके बाद एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा, तो वीसी आ गया तो वो थीटा आ जाएगा, तो जब वापस लौट रहे होगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, कंफर्म? समझ में आ गया? डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका बताओ इसके बाद, इसके बाद भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, आसान तो नहीं है, हाँ एक और बार जाना पड़ेगा फिर आना पड़ेगा, सब नाटक रहेगा, 50 तरीके से है। अच्छा देखो, मान लो जितना नीचे आया उतना ऊपर चला गया, मान लेते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी?
तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो ही होनी चाहिए क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तुम सेम कर रहे हो, वो हो सकती है। अभी क्लियर? अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ, मजा आएगा, कान खड़े करके सुनना। ध्यान देना भाई, हाँ, कैसे सोचते हैं चीजों को वो सीखने का प्रयास करना मेथड तो है अच्छा, लेकिन ये भी सोचना कि यार ये चीज मैं क्यों नहीं सोचता और अब मैं सोचना शुरू कर दूंगा। ठीक, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि हम कहां तक पहुंच गए हैं, पहले वो डायग्राम बनाते हैं। यहां तक पहुंच गए कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी वी नॉट है, नीचे वाला रेस्ट पर है एम वन, और वी नॉट की वैल्यू कितनी अंडर रूट 2gr। यहां तक पहुंच चुके हैं, यहां तक पहुंच चुके हैं भाई। अच्छा हमें चाहिए क्या बच्चा, वो भी बता देता हूं। हमें चाहिए ये कि जब ये लौट रहा होगा, जब ये लौट रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 और इसकी वेलोसिटी इस v2 और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 डैश मान लेते हैं। आपने इस डायरेक्शन में क्यों मानी है, तो वापस जा रहा हो तो मान लो यार, वापस मान लो भाई, तो निगेटिव आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है तरफ भाई, जहर तो नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक, तो ध्यान से सुनना जरा, क्या इक्वेशन लिखोगे आप? लिखोगे P1 प्लस P2 इनिशियल बराबर P1 फाइनल प्लस P2। ठीक ना यार, ठीक है। अच्छा दूसरी क्वेश्चन देखना, के इनिशियल 1 प्लस K2 इनिशियल बराबर K1 फाइनल प्लस K2 फाइनल। एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल सेम होगी, क्या कहते हो बच्चों? तो मैंने कहा यार ये बताओ, ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से, अगर M2 V0 से आ रहा होता M1 रेस्ट पे होता और कोलिजन होता और हमसे पूछा जाता M2 की वेलोसिटी और M1 की वेलोसिटी क्या होगी, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करते? क्या यही तो यूज करते? चेक करो, तब यही यूज करते। इसका मतलब इसका रिजल्ट वही आएगा जो इसका रिजल्ट है। अरे मैथ्स को क्या पता क्या चल रहा है, मैथ कहेगा हमें क्या लेना देना, तुमने जो इक्वेशन लिखी है उसके सोल्यूशन तुम सेम देंगे ना, तो फायदा कौन इस बात का? और ये रिजल्ट याद कर चुके हैं, ये कब किया हमने? पिछली क्लास में सब कुछ पता क्या? V2' = 2, 1 पर e की वैल्यू 1 डाल दो, 2vc - v1 आ गया। तो किसकी वेलोसिटी चाहिए जरा आहिस्ते से सोचो, किसकी चाहिए? M1 की फाइनल वेलोसिटी चाहिए। हाँ ये तो चाहिए यार, किसकी चाहिए? M1 की चाहिए या M2 चाहिए? किसकी पूछी गई है? M1 की पूछी गई है, यानी कि v2' है। बोलो v2' की वैल्यू क्या? 2vc, तो 2v0 m2 अपॉन m1 प्लस माइनस बोलो e टाइम्स 0, e कितना है? ये आंसर है यार, ये आंसर है भाई, बस हो गया इतना ही था। नहीं आया समझ में, चल क्या रहा है, कौन सी भाषा में बात चल रही है, जहर तो नहीं है तुम्हारे लिए, बहुत नोट कर लो। तो सेम मैथमेटिक्स गिव्स सेम रिजल्ट, ये है कैच लाइन इस सॉल्यूशन। एक बार कोई मैथमेटिक्स सॉल्व आप यूज कर चुके हो, मैथ्स लगा चुके हो, और तो दिमाग में रखो बत्ती जला करके कि ऐसी क्वेश्चन अगर दोबारा यूज हुई तो हम सीधा आंसर यूज निकालेगा, सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे।
याद कर ही नहीं रहे। मैंने कहा ना, हम कब यूज कर पाएंगे कब नहीं यूज कर पाएंगे मैं बता ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैंने पहले इक्वेशन लिखी, फिर मैंने देखा ये इक्वेशन भी यूज होती है कोलिजन में, तो मैंने लगा दिया। इसका मतलब ये नहीं यूज होती तो नहीं लगा पाऊंगा। सिंपल सी चीज है ना। हाँ भाई नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। आंसर गलत आ रहा है क्या आ रहा है? हाँ हाँ तेरा गलत आ रहा है। 210 सेंटीमीटर। कोई बता सकता है इन्होंने क्या गलती की होगी? आप में से किसी का पहली बार 210 आया हो? क्यों भाई, जो इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है वो तुमने यही ले ली है क्या? नहीं बताए क्यों? क्योंकि जिस समय वो यहां पर होगा उस समय बीसी कॉमन वेलोसिटी से दोनों चल रहे होंगे, और ये वाली बीसी ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगी ना कि ये वाली। क्लियर? बिल्कुल ठीक। कोई डाउट नहीं? क्वेश्चन नंबर 12। इसका 12th का कितना आ रहा तेरा बेटा? हाँ हाँ आराम से बिल्कुल। पूछा क्या क्या बच्चों? 1 केजी वाले की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी? पता है कैसे निकालते हैं ये? पता है जनरल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बोलो 20/5 कितनी आ गई? 4 आ गई। चलो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बोलो, सेंटर ऑफ मास VCM NCM फ्रेम NCOM फ्रेम। चलो 1 केजी की बोलो कितनी हो गई? इस साइड कितनी? 4। अच्छा और 4 वाले की बोलो 1 इस साइड हो गई। अरे बोलो ना यार। चलो इसकी रेंज बोलो वेलोसिटी की, -4 से +4। इसकी रेंज बोलो -1 से +1। किसके फ्रेम में? किसके फ्रेम में? और सेंटर ऑफ मास की खुद की वेलोसिटी इस साइड 4 है, इस साइड 4 है, तो क्या करोगे जब ग्राउंड फ्रेम बोलोगे तो सब में 4 ऐड कर दोगे? तो सब में 4 ऐड करो। चलो बोलो कितना आया? 0। आगे बोलो, इसको बोलो 3, ये बोलो 5। लो जी वेलोसिटी की रेंज आ गई। इसकी रेंज बोलो 1 केजी वाले की मिनिमम बोलो, मैक्सिमम बोलो। 4 केजी वाले की मिनिमम बोलो, मैक्सिमम बोलो। सब आगे। इनमें से कोई निगेटिव होती तो क्या करते? तो 0 मिनिमम बोली जाती है, निगेटिव वाली नहीं बोली जाती। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते बच्चों। कुछ हो गया खत्म? बस इतना ही था? अरे बात मजा और है। अच्छा हाँ वो पेज मैंने ऐड किया 13। लेकिन साइन कब लेंगे बेटा? जब कोई साइन हमको पॉजिटिव बोला गया, हमको इस क्वेश्चन में कोई साइन पॉजिटिव बोला गया तो फिर हम साइन के साथ आंसर दे ही सकते हैं ठीक। या साथ साथ ये लिख सकते हो 800 इन दिस डायरेक्शन, ये साथ पूरा लिख सकते हो ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 तो खूंखार क्वेश्चन। डाउट पूछ ले बेटा पूछ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सर ये बताओ कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी गिरी कम हुई है उतनी तो काइनेटिक एनर्जी आएगी क्यों भाई? तो फिर ये क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है? एक
बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत शानदार। सोचो सोचो सोचो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है बच्चा, बच्चा नाम क्या तेरा? प्रियांश। कह रहा है कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी तो काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी के अंदर रहेगी। तो पहली बात तो सर इससे आंसर नहीं आ रहा, पहला प्रियांश का सवाल। दूसरा मेरा सवाल, अगर प्रियांश की बात सही है तो सी पार्ट का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो दो चार कहीं है, दो चार बहुत ज्यादा क्यों नहीं रहेगी? एक दूसरे के लिंक के फोर्स है ना, फ्रिक्शन होगा तो भी आंसर, फ्रिक्शन नहीं होगा तो भी यही आएगा आंसर। एक्चुअली आंसर फ्रिक्शन नहीं मान के ही करा गया है। बहुत ध्यान से सुनना, इतनी शानदार बात कभी ध्यान ही नहीं जाता। ध्यान से सुनना, ये लिंक और ये लिंक, ठीक है? ये लिंक जा रहा है वी वेलोसिटी से, ये और ये भी रेस्ट पर है। हम क्या मान रहे हैं, जैसे इसे टकराएगा ये भी पीछे चलेगा, हम कोलिजन कैसा ले रहे हैं, इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक या इलास्टिक? अगर हम इलास्टिक लेंगे ना तो ये लिंक ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन क्या ऐसे मान रहे हो तुम? तुम क्या मान रहे हो, ये जा रहा था जैसे ऐसे टकराया ये इसके साथ चलने लगा, तो तुम कोलिजन कैसा ले रहे हो? परफेक्टली इलास्टिक, इसलिए एनर्जी की लॉस हो रहा है दादा। नोट करो इस बात को, ठीक याद रख, समझ में आ गया? तो फिर करें कैसे? अब प्रियांश का अगला क्वेश्चन आएगा, पूछा तो नहीं, मैंने आपको मन से बता दिया। तो फिर करें कैसे ये तो बताइए, देखो ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे, एक हेडिंग पड़ती है वेरिएबल मास सिस्टम, उस हेडिंग को देखते ही हमारे कुछ बातें हो जाते हैं, बिल्कुल बेमन सा करने लगता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो एक हेडिंग है, अगर वो हेडिंग नहीं होती तो पढ़ने का मन करता, वो एक क्वेश्चन होता तो पढ़ने का मन करता। गलती क्या है, उसको हेडिंग बनाकर फिर इतना बड़ी चीज बना दी गई जैसे कुछ बहुत बड़ी चीज, और है नहीं बड़ी चीज। देखो कैसे बड़ी चीज है, ध्यान से सुनना, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई वेरिएबल वेरिएबल मास नहीं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये एक्स गिर चुका है बच्चों, ये एक्स गिर चुका है और वी वेलोसिटी से इस समय नीचे जा रहा है, तो वी बराबर डी एक्स बाई डी टी होगा बच्चा पार्टी, ठीक है? हमसे पूछा गया है कि क्या इसमें इसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए, तो मैंने कहा यार इसकी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी भाई, क्या इक्वेशन होगी? तो इक्वेशन क्या लिखोगे, ऊपर टेंशन टी मान लो, यहाँ पर टी इस समय है ना, नीचे वेट कितना हैंग हो रहा बच्चा, तो लैम्डा एक्स जी माइनस टी इक्वल्स टू लैम्डा एक्स डीवी बाई डीटी, यही इक्वेशन आएगी, कोई डाउट नहीं? चलो टी की वैल्यू निकालते हैं, टी की वैल्यू कैसे निकाले, टी क्या चीज है, टी है क्या चीज? ऊपर वाला ढेर नीचे वाली स्प्रिंग पर जो फोर्स लगा रहा है वो टी है, और वो है इंपल्सिव फोर्स, ठीक? ध्यान से सुनना, वो कैसे निकाला है ये बताइए, डीटी टाइम बाद क्या होने वाला है, इसकी लेंथ बढ़ने वाली है, कितनी लेंथ बढ़ जाएगी, वी डीटी लेंथ और बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, तो बताइए कितना मोमेंटम एक्स्ट्रा चेंज हो जाएगा, बताइए इसको काट रहा हूं, कितना मोमेंटम एक्स्ट्रा चेंज हो जाएगा? देख आराम से, आराम से तसल्ली से सोचते हैं, ये ठीक, ये चेन कितनी वेलोसिटी जा रही है, अब ये डीटी टाइम बार, डीटी टाइम बार ये वी प्लस डीटी से जा रही है, कितने वी प्लस डीटी से, कितनी लेंथ एक्स्ट्रा, वी डीटी लेंथ एक्स्ट्रा आई थी क्या
तो मोमेंटम में चेंज निकाले, मोमेंटम में चेंज निकाले। तो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना, जो एक्स्ट्रा वाला है, एक्स्ट्रा वाला वो पहले रेस्ट पे था। अरे एक्स्ट्रा वाला पहले रेस्ट पे था और कितनी लेंथ है उसकी? वीडीटी। ध्यान से सुनना बच्चों, ये वीडीटी, अबे बोलो ना यार, है ना भाई। अच्छा ये रेस्ट पे था तो ये इसका मास है, इनटू वी कर दिया तो चेंज इन मोमेंटम है, तो फोर्स बोलो डीपी बाई डीटी होता है क्या? तो लैम्डा वी स्क्वायर इज डीपी बाई डीटी विच इज फोर्स। इतना फोर्स किसके लिए, किसकी वजह से आ रहा हो? सिर्फ उस एलिमेंट पे झटके की वजह से। अभी नीचे आ रहा वेट भी संभालना है भाई, अभी नीचे वाला वेट भी तो संभालना है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, अब ध्यान से सुनना, इस इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा? मैं लिख रहा हूं फाइनल मोमेंटम। ये तो समझाने की बात हो गई है, एक समझाने के लिए मैंने कहा कि कितने कितने फोर्स होंगे, एक तो जो हैंग हो रहा है वो, एक तो जो हैंग हो रहा है वो, और एक जो झटका लग रहा है बार 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 बार, वो तो झटके लगने वाला आ गया, हैंग होने वाला भी आ गया, आ गया ना। इसका मतलब हमें फोर्स निकालने के लिए, पूरा फोर्स निकालने के लिए दोनों चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी, झटका वाला एलिमेंट भी करना पड़ेगा और जो हैंग हो रहा है वो भी करना पड़ेगा। ठीक, सही है। इनिशियल मोमेंट, फाइनल मोमेंटम बोलो। तो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना जरा, लैम्डा ठीक है, एक्स प्लस वी डी टी, वी प्लस डी बी, ये है मोमेंटम। चेक करो आराम से, तसल्ली से चेक करो। अब पूरा ले रहा हूं, अब केवल एलिमेंट का नहीं ले रहा हूं, पूरा ले रहा हूं, आराम से देख लो क्या है लैम्डा एक्स प्लस वी डी टी। क्या है बच्चों? मास है, कोई डाउट तो नहीं है? कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? कोई डाउट? क्या मैं कह सकता हूँ यही फाइनल मोमेंटम है सिस्टम का? चलिए इनिशियल मोमेंटम बताइए बच्चा पार्टी, लैम्डा एक्स वी केवल इतना होगा, ये बराबर चेंज इन मोमेंटम होगा बच्चा पार्टी, कंफर्म है? जरा सॉल्व करके डीपी बाई डीटी फोर्स की वैल्यू निकालो। एक मिनट, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या? नेट फोर्स, नेट फोर्स, इसमें नेट फोर्स बोलो कितना लगेगा? किधर की ओर? फाइनल मोमेंटम तुमने किधर लिया है, नीचे की ओर लिया है ऊपर की ओर? नीचे की ओर, नेट फोर्स नीचे की ओर होना चाहिए, तो नीचे की ओर बोलो क्या क्या आएगा? लैम्डा एक्स जी माइनस टी, बोलो ना फटाफट करो, जल्दी से देखो क्या है। चेंजिंग मोमेंटम, नेट चेंजिंग मोमेंटम, ओ सॉरी 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 सॉरी, अब ठीक है। अब ये बताइए जो ऊपर वाली चेन है वो पाइल्ड अप है, मतलब ऐसी रखी हुई है, फ्लेक्सिबल है? ऊपर वाली जो रखी हुई है वो तो फ्लेक्सिबल है, उसमें टेंशन कितना होगा? उसमें टेंशन कितना होगा? जीरो होगा ना भाई, तो वो वैल्यू डाल दीजिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा खत्म। दैट्स इट, जस्ट इस जीरो क्यों होगा? क्योंकि हमने क्या किया बेटा, हमने उस लिंक को शामिल कर लिया है जिसकी वेलोसिटी मिलने वाली है, तो जो उसके बाद वाला लिंक है उसमें टेंशन कितना है?
वो कैसे लगाएगा फोर्स, इस समय कैसे लगाएगा, इस दौरान नहीं लगाएगा, तो इस दौरान तो ये टेंशन जीरो कहलाएगी, जिस दौरान ये यहां से यहां जा रहा होगा। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक मान लिया ठीक, लेकिन वो शामिल कर लिया ना, वाला लिंक तो शामिल कर लिया ना जिसको इलास्टिक मिल गई। हाँ आ गया समझ में, ठीक बढ़िया, जिसको वेलोसिटी मिल गई वो तो शामिल कर लिया, तो जिसको नहीं मिली वो क्या कोई फोर्स लगा रहा होगा? ठीक अब क्लियर बढ़िया। हाँ भाई गेट टी की वैल्यू रख दीजिए जीरो, अच्छा एक जगह डी टी इंटू डी भी आ रहा होगा, इतना तो समझ गया होगा, उसको निगलेक्ट करना होगा बाकी के टर्म्स में, उसको निगलेक्ट कर दीजिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी एक्सपोनेंशियल फैक्टर वाली, जो इंटीग्रेटिंग सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद है इंटीग्रेशन में आता था वो वाली बनेगी, इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया 16, अच्छा एक काम करो ये दोबारा से करके आओ, 14 क्वेश्चन कल फिर डिस्कस करूंगा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दोबारा से करके आइए, 16 17 तो मेरे को याद दिलाओगे इस क्वेश्चन के लिए है ना, 18 19 19th का सी और डी ऑप्शन सेम है, हाँ ये बात तो सही है, तो दोनों ही आंसर होंगे, और कोई डाउट 19th में कोई और बात पे नहीं, अब चलो बताओ, अच्छा देखते तुम लोगों से पूछते हैं, जरा ये बताइए कि यार ये म्यूवी स्क्वायर क्यों है, हाफ म्यूवी स्क्वायर होनी चाहिए, म्यूवी स्क्वायर क्यों, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ म्यूवी स्क्वायर, तो पावर डिलीवर्ड एक मिनट सेम, पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट अप्लाइंग द फोर्स, ये तो हाफ म्यूवी स्क्वायर होना चाहिए, म्यूवी स्क्वायर क्यों, अरे यार इस क्वेश्चन का आंसर ही गलत है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार्ड इज, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार्ड इज, ये कैसे निकालेंगे बोलो, रेट कैसे निकाला है भाई, एक बात बताओ कांस्टेंट वेलोसिटी वी से चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक तो एक्स्ट्रा मास डीटी टाइम में कितना आ रहा है डीएम, तो हाफ डीएम इंटू वी स्क्वायर, यही तो बढ़ रही है डीटी टाइम में, तो कितनी बढ़ रही है हाफ म्यू, तो ये है वो हाफ फैक्टर जो इसमें मिस हो गया है, डाल लीजिए डी पार्ट में हाफ है और अब डी सही है, तो मेरा क्वेश्चन शुरू होता है अब, ये किसी से गलत करा दिया, फिर 20 और 19 का आंसर आ रहा है क्यों, सही नहीं होना चाहिए, अभी तक तो आपको सही नहीं लग रहा था, तभी तो आप टिक करके आए थे म्यूवी स्क्वायर म्यूवी स्क्वायर है ना, लेकिन अब तो अलग हो गए, अलग कैसे आ रहा है, अरे जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है उतनी तो एक्सटर्नल पावर देनी होगी, नहीं फील नहीं आया, फील से काम करना ही नहीं होता, बताइए दोनों क्या अलग क्यों है, मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन ये है बच्चा पार्टी कि जो सैंड गिर रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी जिस रेट से बढ़ रही है उतनी तो एक्सटर्नल पावर देनी चाहिए, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है ऐसा, कहां गलती हो रही है, वो ही नहीं लग रहा, सोचो दिमाग को जरा चमकाओ ना, उसकी तो ऐसे भी जीरो ले रहे हैं, हमें तो इस डायरेक्शन से मतलब है, इससे मतलब ही नहीं, अरे भाई को ये बताइए जो मास गिर रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो ठीक, और फिर वो ट्रॉली के साथ चलना शुरू हो जाता है कितनी वेलोसिटी से, बी से नीचे से, किसके कारण किस फोर्स के कारण, वो सैंड की बात कर रहा हूँ, सैंड किस फोर्स के कारण चल रही है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, तो जब गिरेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, होगी क्योंकि ये जीरो से गिर रहा होगा और ये बी से चल रहा होगा और थोड़ी देर बाद अभी इसके साथ चलेगा तो बीच में रगड़ा होगा, रगड़ा, अरे नहीं समझ में आया, स्लिपिंग हुई होगी, उस समय फ्रिक्शन ने वर्क किया। नाउ द नेक्स्ट, अगर अगला क्वेश्चन के पावर डिलीवर्ड बाय फ्रिक्शन फोर्स इज माइनस हाफ यूवी स्क्वायर,
तभी तो उसे हाफ मूवी स्क्वायर एनर्जी में हाफ मूवी स्क्वायर किसके अगेंस्ट, फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तो टोटल कितनी हो गई? लिखो ना इस बात को, एक्सटर्नल एजेंट फ्रिक्शन को मिला के बोल रहे हैं? नहीं, फ्रिक्शन इंटरनल और इंटरनल फोर्स याद करो वर्क कर सकता है, कर रहा है, एनर्जी लॉस कर रहा है, ठीक। नहीं ऐसे समझो, जो बाहर वाला बंदा है ये है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पावर बराबर चेंज इन एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक, सैंड प्लस दिस। Now, इसकी एनर्जी दो तरीके से बढ़ी, एक थर्मल एनर्जी बढ़ी और एक काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने का रेट है हाफ म्यू वी स्क्वायर, थर्मल एनर्जी के बढ़ने का रेट है हाफ म्यू वी स्क्वायर। टोटल पावर कितनी डिलीवर करनी पड़ी? अभी आया समझ में, ठीक। डिस्कशन से ही फायदा है, अपने आप वो बातें निकल के आ जाती हैं जो तुम्हें नहीं पता। हाँ, वेरिएबल मास से तो करना है, जो एफ निकाला वो कैसे आया? वो तो उसी से आया है, वेरिएबल मास नाम की कोई चीज नहीं, फिर से कह रहा हूं। हाँ नहीं भी, वो भी नहीं बताइए। डीटी हमेशा डीटी टाइम में देखो, डीटी टाइम में जो सैंड गिरी उसका हॉरिजॉन्टल मोमेंटम पहले कितना था, बाद में कितना हो गया? डीएम इंटू पक्का कंफर्म, ये इसका चेंजिंग मोमेंटम है कितने टाइम में, तो इतना फोर्स है, बस हो गया। हाँ, कोई वेरिएबल मास होता ही नहीं, डीटी टाइम में मोमेंटम चेंज देखो, हमेशा आंसर हमेशा आएगा, तो इतना फोर्स देना पड़ेगा इसको एक्स्ट्रा, तो यही फोर्स आपको लगाना, तो एफ की वैल्यू आ गई होगी। तो पावर डिलीवर्ड बोलो, एफ इंटू वी, पावर डिलीवर्ड तुमने जीवन में आपकी सुनी है, तो कितनी हो गई? म्यू वी स्क्वायर, म्यू वी स्क्वायर का आधा हिस्सा आ गया और बाकी का आधा किधर गया? ठीक, पढ़े भाई, एडवांस की तैयारी कर रहे हो, ध्यान रखना, तो ये ऐसी बातें करने का फायदा है, मेंस के लिए तो फायदा ही नहीं है। 21 इसका आंसर बोल बेटा, ये आ रहा बच्चे का आंसर। अच्छा जी, देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सभी लोग पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूं। क्या चीज है ये? हो गया, पढ़ लिया, चलो देखना, ध्यान से सुनना।
द स्मॉल ऑब्जेक्ट रीचेस द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द सेमी सिलेंडर एंड स्टॉप्स देयर। इसका मतलब ये है भैया कि इसकी वेलोसिटी है जीरो जिस समय ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा। अब इसके कई मतलब है। इसके मतलब ये है कि इस समय जो इसकी वेलोसिटी है वही रिलेटिव वेलोसिटी है दोनों के बीच, सही है। एक और मतलब है जो आगे की लाइन में समझ में आ रहा है कि इसको गिरने में जितना यहां से यहां तक समय लगता है उतने समय में ये ट्रॉली की इतनी लेंथ ट्रेवल कर लेता है, ठीक। क्या ट्रॉली की कोई लेंथ वेंथ दी गई है क्या या पूछी गई है? पूछी गई है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द कार्ट? मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द कार्ट, ठीक। तो मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द कार्ट ये आधा बोला है क्या इन्होंने? ये आधा बोला है क्या? मेन में बोला है। तो भाई ऐसा है कि अगर मेरे पास v आ गया तो अपन कह सकते हैं जितना टाइम लगेगा इसको ऊपर से नीचे गिरने में, 2r लेंथ में गिरने में, वो कितना टाइम लगेगा? अंडर रूट 2h / g सुना कभी जीवन में? तो अंडर रूट 4r / g आ गया। हमने तो 2h / g सुना था, आप लिख रहे हैं 4r / g। h की वैल्यू कितनी है? 2r, ठीक। कितने टाइम में बोलो कितना ट्रेवल कर लेगा वो? ये टाइम है, इतने टाइम में किसका मल्टीप्लाई कर दूं? v का। तो ये लेंथ आ जानी चाहिए आधी की, नहीं आ जानी चाहिए? एक तो इक्वेशन ही आ गया बच्चों, ठीक। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट किसी को? नहीं। हाँ बिल्कुल, ट्रॉली के रिस्पेक्ट बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बेटा। दूसरी क्वेश्चन सुनना ध्यान से, बढ़िया से, अच्छे से। MGH इक्वल्स टू हाफ कैपिटल एम बी स्क्वायर। सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई। एम जी एच माइनस टू आर इक्वल्स टू हाफ कैपिटल एम बी स्क्वायर। ये क्या यार, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बोलो, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बोलो तो कितनी वर्कर बाय ग्रेविटी मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज बोलो। एम जी एच माइनस टू आर ये चेंज आया, ठीक। ये बराबर टोटल काइनेटिक एनर्जी, इन भाई साहब की काइनेटिक एनर्जी कितनी है जो इसकी होगी वही तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या वी की वैल्यू आ गई? क्या आंसर आ रहा है इससे? चेक कर भाई आंसर देख फटाफट। कैपिटल एम गिवन नहीं है, देख लेते बेटा। ठीक बढ़िया, ये नहीं दिया है। एक क्वेश्चन और है और यूज होगी, बताओ कौन सी?
आखिर ये मिनिमम क्यों लिखा था बच्चों? मिनिमम क्यों लिखा था? अभी यार फंसोगे, मिनिमम का तो यूज किया नहीं, मिनिमम लेंथ का। बहुत प्यारा क्वेश्चन, छोटी सी एक पॉइंट अभी मिसिंग है, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, और इसीलिए इसके में कैपिटल एम अपीयर हो रहा था। बता दो कैसे निकालने कैपिटल एम, दिया तो है। अबे फिर तो आंसर ले लेते हैं वही जो दिया गया। ओके सो लेट अस अज्यूम दैट द आंसर इज करेक्ट, यहां से स्टार्ट करते हैं, है ना भाई? हो गया, बस अब क्या करना है? कुछ भी मतलब है। हाँ हाँ, देखो जरा बच्चों कितना शानदार क्वेश्चन है। अबे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की तो एक चीज होती है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर वो ऊपर पहुंच रहा है तो नॉर्मल नॉन जीरो होनी चाहिए, और मिनिमम के लिए नॉर्मल जस्ट जीरो होनी चाहिए। मिनिमम के लिए नॉर्मल जस्ट, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सब लोग। इस समय इसका एक्सीलरेशन बोलो, इस गाड़ी का आराम से बोलो, क्या ये पार्टिकल इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा पा रहा है? तो बताओ इस गाड़ी पर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है? तो इस गाड़ी का कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, यानी कि गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है इस समय? इस समय स्यूडो फोर्स इसके फ्रेम में लगेगा? नहीं लगेगा। इनर्शियल फ्रेम है कि नहीं है? ठीक है, ध्यान से सुनना सभी लोग। तो इसके फ्रेम में वेलोसिटी बोलो पार्टिकल की, इन द फ्रेम ऑफ ट्रॉली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इन द फ्रेम ऑफ ट्रॉली, इन ट्रॉली फ्रेम, वी होगी बच्चा, इस साइड होगी, अच्छा, और ये फ्रेम इनर्शियल है, तो ये वी ऐसी होनी चाहिए कि वी स्क्वायर बाई आर जी के बराबर हो। अरे बोलो ना, लो जी आ गया आंसर, जल्दी से निकालो, सारे आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, फटाफट जल्दी से। ये क्या कैसे, ये क्या लिख दिया वी स्क्वायर बाई आर बराबर जी, ये क्या जहर है? ना मैं पूरा कोर्स कराने आया हूं, वो भी मैं कह चुका हूं,
वो पॉसिबल नहीं है, और ना फॉर्मेलिटी निभा लिया, कुछ ऐसा आपको मिल जाए इतने दिनों में कि आपको भी लगे यार हाँ फायदा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमको मिल रही है। क्या रे भाई तुरंत समझ में आ गया बच्चा? तो ये हो गया खत्म। तो मुझे आपकी क्लास नोटबुक में, मैं किसी की भी चेक कर सकता हूं नेक्स्ट क्लास में, ये तीनों क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, लिख लीजिए होमवर्क में, ये एडिशनल होमवर्क है मेरी तरफ से। एक ये और एक और मैंने दिया था जो मैंने कहा था मैं डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे हो चाहे ना हो, मुझे ये डिटेल दोनों आपकी किसी की कॉपी चेक कर सकता हूं, ये आपकी कॉपी में होना चाहिए। होने का मतलब सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, सॉल्व बहुत जरूरी नहीं है, आंसर आए जरूरी नहीं है, लेकिन आपने ट्राई किया तो ये देना चाहिए। अब देखो अगली बार हम आएंगे नहीं सर ये सबसे अच्छा तरीका, थोड़ा कोशिश करके अपने आप को पुश करके बंधे रहना, डरना नहीं, फांसी नहीं दूंगा किसी को भी, है ना भाई, आते रहना, तुमको थोड़ा थोड़ा सा ठुक पीट करके एडवांस के लिए प्रिपेयर करता रहूंगा, तो हिम्मत करके आते रहना, होमवर्क दे रहा हूं तो करते रहना, नहीं भी कर पाओ तो डांट खाने के लिए भी आ जाना कि चलो डांट ही खा लेते सर की यार क्या है, देखो बेइज्जती से, और दूसरे लिए बेइज्जती, बेइज्जती से बिल्कुल मत डरो, बेइज्जती से वो डरते हैं बच्चों जिनकी इज्जत होती है समझ रहे हो, हमारी कहां कोई इज्जत है भाई, हम बेइज्जती से डर ही लगता, मस्त करते तो क्यों भाई, हमारी तो बेइज्जती खराब या अच्छी होती है, इज्जत की तो हम बात ही नहीं करते कि भाई इन्होंने ज्यादा बेइज्जती की उन्होंने कम बेइज्जती की, हम इसी उस पे है, हमारे तो इज्जत वाली बात ही नहीं, मस्त रहो आओ, है ना, होमवर्क नहीं किया तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी डांट खाओ, हाथ भी ऊपर खड़े करा सकते हैं सर, एक्सरसाइज हो जाएगी, ताकत ताकत आएगी, बढ़िया है कि नहीं। तो बच्चों अगला असाइनमेंट मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, तो मैं देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन हैं आपको, मैं ना क्वेश्चन भी डिवाइड करके बताता हूँ कि कल कितने, आज कितने करने हैं, कल कितने करने हैं, क्योंकि आप क्या करते हो एक रात पहले ऐसे देखते हो तो बहुत डर है, ऐसे रख देते हो सो जाते हो, सर को कैसे पता है, तो हमने तो यही किया, तो रोटेशनल मोशन पर बेस्ड है, आपको करना है एक्सरसाइज ए में जो क्वेश्चन है वो है 21, तो आज खत्म करना है पार्ट ए, लिख लीजिए रोटेशन पार्ट ए आज कंप्लीट हो जाना चाहिए, और इसमें क्वेश्चन है पार्ट ए में 24, ठीक, और पार्ट बी आपको कल कंप्लीट करना है, पार्ट बी अरे संडे भी है ना, तो फिर एक काम करो लिखो आज रोटेशन का रिवीजन, रोटेशन के नोट्स का रिवीजन, किसी को मेरे नोट्स चाहिए होगा, मेरे स्टूडेंट के नोट्स, है ना, तो मेरा ऐप है एंड्रॉइड पर एमबी सर ब्रैकेट में फिजिक्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ, ठीक है, कल पढ़ाऊंगा एक्स क्लास में, नहीं आया कर दीजिए, चलो ठीक, और नहीं आया और दो ही है, ठीक, उसके बाद पार्ट बी में है बच्चा लोग 22 क्वेश्चन, ठीक है, तो एक काम करते हैं आज करते हैं रोटेशन की थ्योरी, क्योंकि रोटेशन अपने आप में अच्छा टॉपिक है, तो आज थ्योरी कंप्लीट, कल संडे मिल रहा है हम लोग, पार्ट ए करते हैं और मंडे को पार्ट थ्री करते हैं, ट्यूजडे को मेरी क्लास, ठीक, हो पाएगा ये होमवर्क? यस सर, चलो टाटा बाय।